पंजाब में बढ़ रहा है, गोवा में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, चारों तरफ में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ते देखकर, और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 27 सीटें वहां पे गुजरात के गढ़ में मिली हैं आम आदमी पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जनता का दिल जीत के और जनता का काम करके राजनीति करवाइए ना भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी, आपकी सरकारें लोगों का काम करके लोगों का दिल जीते ना, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया है। ये सीबीआई के सहारे, राकेश अस्थाना जी के सहारे, ये पुलिस के सहारे, दिल्ली पुलिस, ये इनकम टैक्स के सहारे कब तक सरकारें जीतते रहेंगे आप? वैसे आपकी मर्जी है, बाकी तो मैं यही कहूंगा कि आपकी मर्जी है, बस हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपकी इन्फोर्सिस का स्वागत करेंगे, और जैसा पहले भी आपने बहुत बार कोशिश की जिनका मैंने जिक्र किया, निकलेगा इस बार भी कुछ नहीं, आप करा लीजिए जितनी रेड करानी है। तो देखा आपने, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है और किस तरह से कांग्रेस में भी अब आम आदमी पार्टी जो है अपना पैर जमा रही है। मनीष सिसोदिया ने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उनके विधायकों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। और अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।